मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम परासिया में संपन्न हुआ था। इस विवाह कार्यक्रम को लेकर फर्जीवाड़े की खबरें सामने आने लगी हैं। भाजपा नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। अक्सर सरकारी योजनाओं को लेकर फर्जीवाड़े सामने आते हैं, ऐसा ही मामला है कन्या विवाह एवं निकाह योजना का, जिसमें परासिया में विधि विधान के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर कई फर्जीवाड़े की खबरें सामने आई हैं। दरअसल जाटा छापर के एक युवक का पहले ही विवाह हो चुका था, मगर कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए इसने फर्जी तरीके से पंजीयन कराया और अनुचित तरीके से लाभ भी उठाया। जानकारी लगने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया व जिला जनपद सदस्य अरुण यदुवंशी ने इस मामले में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं और दोनों भाजपा नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसमें एक जाटा छापर ग्राम पंचायत के अंतर्गत शिवानी पति अजय वर्मा जो पूर्व से विवाहित थे, इन लोगों ने आर्थिक लाभ लेने के लिए मुखवती कन्यादान विवाह में अपना पंजीयन कराया फर्जी दस्तावेज दिखा करके और उन्होंने वहाँ विवाह कराया और शासकीय योजना लाभ लिया। संज्ञान में ये बात भी आई है कि शिवानी पूर्व में गर्भवती हुई थी और बाद में चिकित्सालय में जाकर एनएम के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य लाभ लिया और उसे गर्भपात भी किया गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अजय वर्मा जो NSY का पदाधिकारी और कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सार्वजनिक जीवन उन्होंने इस प्रकार का जो कृत्य किया, इससे भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और हमारे जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र से बात उठाई है। इसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करते शासन से मांग करते हैं इस प्रकार का कठोर कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में जो गरीब परिवार की योजना बनी है या जो भी परिवार से विवाह करता है उसकी योजना से वो वंचित न रह सके और इस प्रकार दोबारा कोई घटना का न हो, इसके लिए संबंधित अजय वर्मा में कार्रवाई की जाए। वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है, जो मैंने बताया कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो मैंने जानकारी एकत्रित की, उसमें ये शिवानी अजय वर्मा जो है एक जोड़ा ऐसा था जो पूर्व से 2019-20 से विवाहित होते हुए पति पत्नी के रूप में दर्ज था और साथ में निवासरत था और इन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो है अनुचित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और अनुचित कृत्य किया है। इस कृत्य के संदर्भ में मैंने अनुभाग के अधिकारी और CO को शिकायत की है और उचित जांच की मांग की है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।